हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर से हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं एनपीए के बारे में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है फॉर बोथ प्रिलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन इसके ऊपर बनते रहते हैं आज भी यूपीएससी को, क्योंकि भरोसा है आपके ऊपर कि, मतलब मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स के ऊपर एक भरोसा है कि एनपीए का पूरा का पूरा एनपीए की पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास एक जगह पर कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं होती है, ठीक है। या बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है क्या। देखो, बैंकों के पास जो लोन होते हैं, जो सर्कुलेट करते हैं बैंक कस्टमर्स को, वो एक प्रकार से एसेट होते हैं। ये हमने मनी इन बैंकिंग चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जान लिया था, है ना। क्यों? लोन्स जो हैं बैंक जब उनको सर्कुलेट करते हैं, बैंक को ये पता है कि जो लोन अमाउंट है उसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, वो जो बैंक ने किसी भी कस्टमर को दे रखी है वो एक प्रिंसिपल अमाउंट है, सेम लोन अमाउंट। बैंक को ये पता है कि पूरा का पूरा लोन अमाउंट तो धीरे धीरे करते करते वापस आ ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ मिलेगी, डैट इज इंटरेस्ट, ब्याज भी मिलेगा। चाहे भले ही धीरे धीरे करके पैसा आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने पैसा घुमा रखा है और कंसिस्टेंट हमारे पास आता रहेगा और ब्याज के साथ आएगा। यानी कि अगर हमने किसी भी पार्टी को 1 करोड़ का लोन दिया है तो जो पैसा वापस में हमारे पास आएगा वो 1 करोड़ प्लस ही आएगा, ज़्यादा ही आएगा 1 करोड़ से। जबकि जो डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह ये सब जो होते हैं, ये क्या होते हैं बैंक के लिए? लायबिलिटी है ना, क्योंकि एक प्रकार से पर्सन मांग भी सकता है इनको एकदम से जाकर, बैंकों को उनके पास सुरक्षित रखना, बैंकों को अपने पास सुरक्षित रखना पड़ेगा इतना पैसा कस्टमर अगर एकदम से डिमांड करने लगे। लेकिन बैंकों के पास कुछ टूल्स लाइक फिक्स डिपॉजिट, ये सब चीज़ें जो होती हैं, या फिर जो लोन्स होते हैं लंबे समय के अंदर, जो भी बैंकों के पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बैंकों के एसेट। अब बैंकों का ये जो एसेट है लोन, इसी के साथ एक एसोसिएटेड टर्म हम पढ़ रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी कि यहाँ पर कुछ तो बात होगी कि ये लोन जो है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है, तभी इसको बोला जा रहा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एनपीए क्या होता है? एनपीए बैंक का एक ऐसा एसेट होता है जो कि बैंक के लिए किसी भी प्रकार की इनकम प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है। जो भी डिपॉजिटर्स के पैसे होते हैं, जो कि बैंकों को पता है कि डिपॉजिटर्स इतने पैसे को हाल फिलहाल में निकालने नहीं आएंगे, विड्रॉ करने नहीं आएंगे, उसको बैंक लोन के तौर पर सर्कुलेट करके दे देता है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ वो बैंकों का एसेट है? अगर तब है वो एसेट, अगर बैंकों को हर महीने या जितने भी टाइम की ड्यूरेशन की बात हुई है उनकी, वैसे तो महीने के बेसिस पे ही होता है, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ कुछ कुछ इंटरेस्ट अमाउंट भी आने लगे, तब वो एसेट है। यानी कि जो बैंकों ने पैसा लोन के तौर पर घुमाया वो बैंकों के लिए एक प्रकार की इनकम है। क्यों? वो पैसा जो बैंक ने घुमाया वो नहीं है इनकम। इनकम क्या है? ये जो इस पे ब्याज मिल रहा है हर महीने, राइट। जब बैंकों के एसेट्स लाइक लोन्स बैंकों के द्वारा सर्कुलेट करने के बावजूद भी किसी प्रकार की इनकम क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तब वो बन जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन कितने दिन के लिए नहीं कर पाते हैं वो भी अभी हम देखेंगे। मतलब आज अगर पर्सन को अपनी पेमेंट देनी थी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, वो आज नहीं दे पाया, तो बैंक ये क्या देखा कि हमारे एसेट आज इनकम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है? ऐसा भी नहीं होगा, एक टाइम ड्यूरेशन तो होगा ना इसका। तो कोई भी लोन या लीज पर दिया हुआ पैसा जो बैंकों के स्टेटेड प्रिंसिपल्स या उसके इंटरेस्ट पेमेंट को पूरा ना कर पाए, उसमें असमर्थ साबित हो, वो होता है बैंकों का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर हम आरबीआई की लैंग्वेज के अंदर अगर देखें, हम लोग आरबीआई के शब्दों के अंदर अगर हम देखें कि एनपीए क्या होता है, ऐसा लोन या ऐसा एडवांस जहां पर जो ब्याज होता है या जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है 90 दिनों के लिए मिनिमम या उससे ज्यादा दिनों के लिए पेंडिंग है, तब आप उसको बोलते हो एनपीए। यानी कि
ऑलमोस्ट 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा, कभी भी 3 महीने मत लिखना, जैसा 90 डेज लिखा होता है तो आप 90 डेज की मानो उसको, वो तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो चीज़ें फिक्स दे रखी होती है उसको वैसे ही ट्रीट करो। 3 मंथ्स आर नॉट इक्वल टू 90 डेज, बिकॉज अगर आप फेबररी से काउंट कर रहे हो तो 90 दिन तो बन ही नहीं पाएंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 90 दिन हो। तो कोई RBI के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा लोन या एडवांस जहाँ पर जो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट है विच इज़ पेंडिंग फॉर 90 डेज और मोर, जहाँ पर बैंकों ने जो पैसा घुमा रखा था लोन के तौर पर, उनको ना प्रिंसिपल अमाउंट वापस आया ना इंटरेस्ट वापस आया मिनिमम 90 दिनों के लिए, 90 दिन से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है, तब बैंक ऐसे सर्कुलेटेड लोन को, ध्यान रखना NPA होता क्या है, तब बैंक इस प्रकार के सर्कुलेटेड लोन को डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये लोन का अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज शायद से हमारे पास वापस नहीं आएगा, और RBI की डेफिनेशन के अनुसार जब नहीं आ पाता सच में प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट मिनिमम 90 दिन के लिए, 90 से ज़्यादा दिनों के लिए, तब बैंक डिक्लेयर कर देते हैं उस सर्कुलेटेड लोन को एस, ये जो लोन था ये अभी तक हमारी एसेट था लेकिन 90 से ज़्यादा दिनों का समय हो चुका है, 90 दिन का समय हो चुका है, तो अब ये एसेट हमारे लिए एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, अब ये हमें किसी भी प्रकार की कोई इनकम जनरेट करके नहीं देने वाला है। ये लोन सर्कुलेट करा गया हमारे द्वारा, ये पूरा का पूरा एक घाटे का सौदा साबित हुआ, इट वॉज अ प्योर लॉस मेकिंग डील। ठीक है, कैटेगरीज क्या होती है NPA की? एक होते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स, जब NPA डिक्लेयर हो जाता है ना 90 दिनों के लिए, अब ये भी तो हो सकता है कि उम्मीद तो है ही ना कि क्या पता पैसा वापस आ ही जाए, हम फोन कर रहे हैं उनके घर जा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बैंकों के अलग अलग हथकंडे रहते हैं, तौर तरीके रहते हैं। एक होते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स, जो NPA हैं, पर्सन के पास ना ही प्रिंसिपल अमाउंट वापस आया ना ही ब्याज वापस आया, जब इसका टाइम ड्यूरेशन 90 दिन से होते 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 ऑलमोस्ट 12 महीने से थोड़ा सा कम है या 12 महीने तक पहुंच गया। देख रहे हो दो सिंबल है यहां पर, अगर आप ध्यान से देखो तो बारह महीने से कम या ऑलमोस्ट 12 महीने, जब ऐसा कुछ हो गया है तब आप उसको कहते हो सब स्टैंडर्ड एसेट। उसके बाद डाउटफुल एसेट, व्हेन द NPAs आर ऑफ द नेचर ऑफ या आर ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, और लॉस एसेट्स, जब बैंक या उनके ऑडिटर्स ने ये देख लिया है कि हाँ जो हमने लोन सर्कुलेट करा था ना ही मूल की रकम वापस आई ना ही ब्याज आया ना ही प्रिंसिपल अमाउंट आया ना ही इंटरेस्ट आया, उन्होंने देखा भाई ये लॉस तो हो गया मैं, लेकिन उन्होंने अपनी P&L स्टेटमेंट से उसको राइट ऑफ नहीं करा, अभी भी उसको लॉस दिखाया नहीं है, वो है लॉस एसेट। अब जरूरी नहीं है कि वो एंटर कर ही लें उसको, क्योंकि फिर क्या होता है कि RBI के साथ उनकी डीलिंग होती है ना अलग अलग टर्म्स में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उस पर फर्क पड़ता है इनको पैसा वगैरह मांगने के लिए अलग अलग चीजों के लिए, क्योंकि बैंक फिर सामने दिखता है कि कमजोर होता हुआ। तो स्ट्रेस एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं अगर आप जानो तो, NPAs 90 या 90 से ज्यादा दिनों के लिए, जब ना ही प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ रहा है ना ही इंटरेस्ट वापस आ रहा है, प्लस रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स एंड प्लस
रिटर्न ऑफ एसेट्स, लॉस मेकिंग एसेट्स, वो होते हैं स्ट्रेस एसेट्स। ये मतलब एक कैलकुलेशन है बस इसकी, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला ही बस ये समझना है। अब एनपीएस का इंपैक्ट होता क्यों है, ये चिंता का विषय क्यों है? इसकी वजह से जो भी एक प्राइवेट पर्सन है उसने लोन उठाया था अपने फायदे के लिए, अपने किसी बिजनेस के लिए, अब बैंकों को ये उम्मीद थी, और बैंकों की उम्मीद यानी कि इंडियन इकोनॉमी की उम्मीद कि वो पर्सन प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट देगा तो ज्यादा पैसा कल को बैंकों के पास होगा रोटेशन करने के लिए। इसकी वजह से इट लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ स्केरसिटी ऑफ फंड्स एनपीए की वजह से इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर, क्योंकि जो बैंक्स हैं नाउ दे आर बिकमिंग अनविलिंग टू गिव लोन्स। जब वो लोन्स आसानी से देने को मानते नहीं है तो दूसरे प्राइवेट पर्सन के लिए क्या होता है, जो ब्याज की दरें होती हैं वो ज्यादा महंगी हो जाती हैं, यानी कि अब उनके लोन लेना ज्यादा महंगा पड़ता है क्योंकि बैंकों के पास पैसा बचा नहीं है या दूसरे बैंक कतराते हैं। जो शेयर होल्डर्स है बैंक के, दे लूज अ लॉट ऑफ मनी एज बैंक देमसेल्फ विल फाइंड इट टफ टू सर्वाइव इन द मार्केट, क्योंकि ये तो जो पैसा था वो बैंक के लिए एसेट था, बैंक के लिए इनकम था, अब वो इनकम कहां से क्रिएट करेंगे, ये तो लॉस में चली गई। फिर बैंक बेचारे घबरा जाते हैं कि और भी ऐसे बड़े बड़े जो लोन हमने दे रखे हैं ये भी 60 दिन तक अभी वापस नहीं आया, वो नहीं आया, तो बैंक को घबराहट होने लग जाती है कि ऐसे दो तीन अगर एनपीए साबित हो जाए आरबीआई तो लाइसेंस ले लेगा हमसे कि तुम अच्छे से चला नहीं पा रहे अपने आप को, अब हम क्या करें। लेकिन आरबीआई रिसेंटली इन सब चीजों को समझने लगा है कुछ सालों के अंदर कि बैंक क्या ही कर लें इस चीज में, इसलिए डिटेल टॉपिक है, हम हर एक एंगल से इसके अंदर बात करेंगे कि क्या होता है फिर ऐसे बैंकों का। उसके बाद इट लीड्स टू अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मार्केट, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया, दे शूट अप विच डायरेक्टली इंपैक्ट द इन्वेस्टर्स जो कि लोन लेना चाह रहे हैं अपने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए। जब इतने महंगे लोन मिल रहे तो उस टाइम पर वो लोन लेना पसंद नहीं करते हैं। अब देखो बैंक क्या करता है, एक विशेष साइकिल के लूप में फंस जाता है और यही चीज आगे चलकर एक इकोनॉमिक बर्डन का, इकॉनमी के लिए एक बबल बना देती है, जिसको हमने, आपको याद होगा इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में भी मैंने आपको पढ़ाया था, बड़े बार ये टर्म आया था ना अलग सेक्टर्स के लिए कि इकोनॉमिक बबल बन जाता है ना हर एक सेक्टर के अंदर। ये समझाता हूं कैसे, इकोनॉमी का पूरा इंडस्ट्रियल बेस किस पे चलता है, इंडस्ट्रियल बेस इकोनॉमी के अंदर किस पे चलता है, बैंकों के ऊपर। इंडस्ट्रीज के बाद खुद के पास इतने पैसे होते हैं क्या 1000 करोड़ रुपीस लगाने को, लाख करोड़ रुपीस लगाने को? नहीं ना, बैंक देते हैं उनको वो पैसे। अब इंडस्ट्रीज कोई भी अगर इतना बड़ा अमाउंट बोरो कर रही तो ये तो चाहेंगे ना कि ब्याज की जो दरें हों वो कम हो, इंटरेस्ट तो एटलीस्ट कम लगे, इतना बड़ा लोन ले रहे हैं हम कैसे चुकाएंगे, फिर हमारा लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है, हम ब्याज ही बढ़ते रह जाएंगे क्या? इंडस्ट्रीज तो अपना घाटा नहीं चाह रही है कि भले बैंक उनके ऊपर, बैंक उनको पैसा दे रहा है तो वो कहते हैं भाई साहब आपको ब्याज भी तो दे रहे हैं हम आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ वापस करते हुए, हम ज्यादा महंगा लोन क्यों लेंगे आपसे। अब एक भी एनपीए, अगर मान लो 1000 करोड़ रुपीज का एक लोन था बैंक का, वो एनपीए हो गया, अब किसी और इंडस्ट्रियल यूनिट को पैसे की नीड है, वो गए बैंकों के पास, बैंक कह रहा है पहले हम लेते थे 2% ब्याज के, पहले हम 2% ब्याज लेते थे किसी भी लोन पर, अब हम 12% लेंगे, दोज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रीज विल सफर बिकॉज जो एंटरप्रेन्योर्स हैं दे विल बी डिस्करेज्ड टू इन्वेस्ट इन द इकॉनमी। और क्यों? क्योंकि लोन महंगे हैं, क्यों घाटे का सौदा करेंगे वो,
कल को ये इकोनॉमिक बबल फटकर नॉर्मलाइज हो गई इकॉनमी, उन्होंने तो जो तय कर रखा था 12% वो तो देते रहना पड़ेगा उनको, चाहे भले ही दोबारा 2% पर बैंक करते हैं उसको कल को जाकर, वो नहीं करते हैं। जब वो नहीं करते मतलब वो जब लोन नहीं लेते हैं, एग्री नहीं करते हैं, लोन नहीं लिया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती नहीं है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। जब अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ सफर करती है। देश का प्रोडक्टिव एसेट जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होना चाहिए वो एक लायबिलिटी बनकर रह जाता है इंसान। अल्टीमेटली ये एक विशियस साइकिल की लूप में हमारी इकॉनमी फंस कर रह जाती है इस छोटी सी चीज की वजह से। इकॉनमी का पहिया इसी प्रकार के डेंजर में घूमता रहता है, जिसको बाहर निकालना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है, ऑलमोस्ट। अब जब फंड्स ही नहीं उठते हैं सिक्योरिटी मार्केट से तो इट हर्ट्स द ओवरऑल डिमांड इन द इंडियन इकॉनमी। जैसे कि मैंने आपको बताया डिमांड ही क्रिएट नहीं होती है, फंड्स नहीं है, डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है, सारी चीजें महंगी है तो लोगों ने तो लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो इकॉनमी है वो इससे सफर करती है। एंड इन द एंड हाई एनपीएस लीड टू लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स एंड हायर इन्फ्लेशन। क्यों? नेसेसिटी आइटम वाले जो गुड्स हैं, कोई भी ऐसी जो नेसेसरी जो प्रोजेक्ट्स हैं कुछ भी हैं वो तो फिर भी अंडरटेक करने ही पड़ेंगे, लेकिन चीजें महंगी होती जा रही हैं, अफोर्डेबिलिटी है नहीं किसी के पास इकोनॉमी में इतनी। पैसा ब्याज पे लोन पे उठाना महंगा हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जनरल गुड्स एंड कमोडिटीज के प्राइसेस जो होते हैं, सर्विसेज के जो प्राइसेस होते हैं रोजमर्रा के जीवन में जो इंसान यूज करते हैं उनके रेट बढ़ जाते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है। एंड दिस ट्रेंड में कंटिन्यू इन विशियस सर्कल एंड इट में डीपन द क्राइसिस, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बनाकर दिखाया। एंड यही आगे चलकर क्या बनता है, एक इकोनॉमिक बर्डन, इकोनॉमिक इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक बर्डन का बबल। एनपीएस हाल के सालों में क्यों बढ़ने लगे हैं? देखो ऐसा नहीं था कि जो एनपीएस थे वो पहले कभी बढ़ते नहीं थे। ये टर्म जब हम लोग छोटे थे, हम लोग ने स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से अपनी इकोनॉमिक्स की शुरुआत करी थी जीवन में, 9th क्लास में इकोनॉमिक्स हमें इंट्रोड्यूस करवाई गई थी हमारे स्कूल के द्वारा। तब तो हमने नहीं पढ़ा ये एनपीए वगैरह के बारे में। बैंकों के जो स्ट्रेस एसेट्स होते थे या 90 दिन तक जैसे पैसा वापस नहीं आना जो भी नहीं आना, ये सारा कंसेप्ट आरबीआई ने कुछ रीसेंट ईयर्स में दिया है। पहले ये चलता रहता था लेकिन इसलिए कोई टर्म प्रॉपर यूज नहीं करी जाती थी। तो क्या है कि एनपीए जिसकी वजह से बढ़ने लगे हैं रीसेंट डिकेड्स में, फॉलिंग डेट सर्विसिंग एबिलिटी ऑफ इंडियन फर्म्स। जो लोन वगैरह है ना जो इंडियन फर्म्स जो उठाते हैं, बड़े सारे ये चीजें पेश कर करके, हम ये गिरवी रखवा कर, वो गिरवी रखवा कर, ऐसा करवा कर, ये प्रोजेक्ट हमें अंडरटेक करना है, वो करना है, बहुत बार वो टाइम पर वापस नहीं करते। सबसे बड़ा इसका तो ये रीजन है, जो भी उनके ऊपर डेट होता है, लोन होता है, वो ना ही उसकी प्रिंसिपल अमाउंट ना ही इंटरेस्ट अमाउंट टाइम पर देते हैं लेकिन टाइम पर नहीं देते हैं। फिर धीरे धीरे करते करते वो पाइलअप होते होते 90 दिन को जब वो क्रॉस कर लेती तो एनपीए बन जाता है। अब बहुत बार गलती पब्लिक सेक्टर बैंकों की भी होती है, इनका जो एटीट्यूड होता है वो लैकसाइडल होता है, ज्यादा अच्छे से निगरानी रखते नहीं है। बहुत बार ऐसे कंपनीज को लोन वगैरह देने से पहले ये उनका बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं बिफोर गिविंग लोन्स, और कभी कभार अपने एसेट्स को इनकरेक्ट तरीके से क्लासिफाई कर लेते हैं अपने पीएनएल स्टेटमेंट में, अपने बैंक बैलेंस में, अपने बैंक बैलेंस नहीं मतलब बैलेंस शीट्स पर। बहुत बार वो अमाउंट लोन को देने के लिए नहीं होता है, बैंकों की इतनी हालत नहीं होती, लेकिन फिर भी इस लालच के चक्कर में कि हम लोन के तौर पर सर्कुलेट कर देंगे, ये हमारी एक इनकम मेकिंग टूल हो जाएगा, तो वो ऐसे घुमा देते हैं।
इसमें एक चीज और होती है, ये लिखा हुआ है लैक ऑफ ड्यू डिलीजेंस एंड बैकग्राउंड चेक, बिकॉज ऑफ, ये जो बैकग्राउंड चेक वाली बात है ना, लैक ऑफ बैकग्राउंड चेक ड्यू टू, पॉलिटिकल प्रेशर ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं हो रही है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर कभी कभार। आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हो, आप फाइनेंस मिनिस्टर हो, भांजे भतीजे की इंडस्ट्रीज के लिए कुछ भी आप जो है वो बैंक को बोल रहे हो, बैंकों को सही नहीं लग रहा उसको लोन देना, लेकिन फिर भी आपने उसको कहते ना कहते 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 लोन दिलवा दिया। अब बैंकों की हालत ऐसी हो जाती है, ना ही वो अपनी बैलेंस शीट में लिखने के काबिल रहते हैं उस प्रकार के एनपीए को, फिर आगे चलकर अब फिर वो रिकवरी भी करें तो कैसे करें। डिलेज इन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, बहुत बार जो फर्म्स वगैरह जो इंडस्ट्रीज जिस काम के लिए पैसा लेते हैं, जिस जो क्या हमें ये प्रोजेक्ट बनवाना है वो कंप्लीट करवाना है, वो उनका कंप्लीट ही नहीं होता टाइम पर। जब वो कंप्लीट नहीं होता तो उनके पास खुद के पास रेवेन्यू नहीं आता, जब खुद के पास रेवेन्यू नहीं आता तो बैंकों क्या घंटा देंगे वापस। उसके बाद रिव्यू ऑफ डिसीजंस बाय विजिलेंस कमिटी, इट प्रिवेंट्स स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। जो विजिलेंस कमेटी जांच पड़ताल करती है, इससे जो डिसीजंस होते हैं, विजिलेंस जांच होती है ना, बैंकों में भी होती है ऐसी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब एक तो ये बहुत टाइम लगा देती है, तब तक वो एनपी और ग्रो हो रहा होता है। और यहां पर ये वाला पॉइंट विजिलेंस कमेटी को जो हाईलाइट कर रहा है, ये बेसिकली बता रहा है कि कोई स्ट्रांग ऐसा सेटअप नहीं है अभी तक कि जो एक ऐसा स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग कर सके कि अगर फर्म्स ने ऐसा करा है, बैंकों को पैसा नहीं दिया, या बैंक ऑलरेडी उनकी जो हालत है वो खस्ता होती चली जा रही है, उनका एनपीए जो इस कदर बढ़ गया कि अब वो और किसी को लोन देने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, तो वो करे तो क्या करे। कोई एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रांग बॉडी नहीं है। अब पहले नहीं थी लेकिन अब है, अभी हम देखेंगे आगे। उसके बाद बैंकों के पास इतनी कैपेसिटी होती नहीं है कि वो भर भर के इतना लोन दे देते हैं। दे डू नॉट हैव लार्ज बफर सेट असाइड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉसेस, के एक्स्ट्रा मनी पड़ा हुआ है तो चलो कोई बात नहीं, अगर लॉस में हुआ कुछ भी नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसको रिकवर कर लेंगे। बैंक्स इस लालच के चक्कर में कि हमारी इनकम क्रिएट होती रहेगी, लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन घुमाते रहते हैं। बस एक बार जैसे उन्हें झटका लगता है कि कोई भी उनका जो घुमाया हुआ लोन वो इनकम नहीं बन गया, अब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, एनपीए बन गया है, बस हालत खराब बैंकों की। फिर बिग डैडी को बताने में भी इनको तकलीफ होती है कि वहां से गाड़ियां अलग पड़ेंगी, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, रेपो रेट के अंतर्गत पैसा कैसे उठाएंगे। भारत की सरकार ने अंडर द मैकेनिज्म ऑफ फिस्कल पॉलिसी रीसेंट ईयर्स में कुछ स्टेप्स लिए एनपीए को टैकल करने के लिए। ये स्टेप्स बेसिकली किसी न किसी प्रकार की स्कीम के अंतर्गत आते हैं, हम इन स्टेप्स को देखते हैं। S25 स्कीम 2014, क्या था इसका मैंडेट? फ्लेक्सिबल तरीके से रीफाइनेंस करना और रीपेमेंट का ऑप्शन देना लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि ऑलरेडी चल रहे थे, जहां पर जो बैंकों के द्वारा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को जो पैसा दिया गया है उसकी कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो सरकार ने कहा अगर ये पैसा अगर वापस नहीं आ रहा है, इतना पैसा अगर इनको देना, तो हम भी आपकी हेल्प करेंगे, हम भी रीफाइनेंस करेंगे, रीपेमेंट का ऑप्शन देंगे, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह ना रोके। क्यों? एक तो एनपीए टैकल हो रहा है वो तो चलो ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ सफर नहीं करनी चाहिए। कि लॉन्ग टर्म अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर देना है तो 500 करोड़ अगर वो जैसे जो टोटल जो फंड अगर लगने वाला है उस प्रोजेक्ट के अंदर वो 500 करोड़ से ज्यादा का लगने वाला है, हम उसके लिए एक आउटले देंगे, एक अच्छा पैकेज देंगे। अभी करा कैसे गया रीफाइनेंस वाली चीज? रीफाइनेंसिंग वॉज डन एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट so that banks could preserve the net present value of the loan amount. सरकार ने दिया ना ये वाला पैसा,
अब इसकी मदद से हुआ क्या, बैंक जो पैसा देने वाले थे अपनी साइड से, वो बैंक ने अपने पास रख लिया बचाकर, बैंकों के ऊपर कोई बर्डन नहीं आया। और जहां पर कुछ कुछ ऐसे अकाउंट्स थे जिनका डिस्क्लोजर हुआ कि यार ये एनपी है या फिर पैसा वापस नहीं आ रहा है, सरकार ने बैंक के उन खातों को रिफाइनेंस करा, उसके अंदर पैसा डाला, एंड इट वॉज परसीव दैट दिस वॉज अ टूल डिप्लॉयड बाय बैंक्स टू कवर एनपीए। बैंकों ने एक एक करके लोन दिखाया, सरकार को बताया कि देखो सर ये ऐसी ऐसी चीज है, हम सॉरी बता नहीं पा रहे थे ना ही आरबीआई को ना ही आपको, लेकिन हमने लोन दिया था, वो लोन वापस नहीं आ रहा, हमें समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम इसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर कहां पर रखें, क्या डालें। सरकार ने बोला डोंट वरी डोंट वरी, ऐसे अकाउंट्स हमसे डिस्क्लोज करो, एक बारी बताओ हमें, हम उनकी रीफाइनेंसिंग करेंगे। और लंबे समय के लिए जो तुम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह देते हो उसके लिए भी टेंशन मत लो, हम तुम्हारे लिए हेल्पिंग हैंड बनेंगे। जहां पर तुम्हारा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर किसी भी कंपनी को दिया गया है, जिस अगर उसकी कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो तुम्हारा एनपीए भी फिर बहुत बड़ा बन सकता है, एक बहुत बड़ा एनपीए का बबल बन जाएगा। डोंट वरी, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। हाँ बताओ, कोई कुछ कह रहा है? कहां पर ये वाली जो बात लिखी थी? अच्छा, रीफाइनेंसिंग वॉज डन एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अरे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट का यहां पर ये मतलब है कि जो कंपनीज है ना, ये उनको ये बोल रही, सरकार ने बोला कि देखो लंबे समय का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है ना, तो जितना अभी तक बैंकों को ये बोला गया कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना देते थे ना, थोड़ा सा उससे ज्यादा रखना। क्यों यार, सरकार को ये जो एनपीए है ये भी तो कवर करना है ना थोड़ा सा। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को, सरकार को पता था कि वो ले लेंगे इतने में, मतलब अभी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन द सेंस क्या मतलब होता है, जब 500 करोड़ का लोन है आप इमेजिन करके देखो, तो 0.5% भी इंटरेस्ट बढ़ना काफी ज्यादा होता है, मतलब काफी ज्यादा किसके लिए, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी। तो जितने ब्याज पर कंपनीज को पैसा मिल रहा था, तो सरकार ने थोड़ा से क्रूअल स्टेप ये उठाया कि बैंकों को ये बोला कि आप हम आपको पैसा दे रहे हैं, जो लोन दोगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, थोड़ा सा ज्यादा उसकी ब्याज की दरें बढ़ाकर देना, ताकि रिकवरी ज्यादा हो सके। क्योंकि एक माहौल ये बन रहा था, मैं आपको उसकी पूरी बात बताता हूं, माहौल ये बन रहा था श्रेया, कि कम ब्याज होने की वजह से ज्यादा कंपनीज बैंकों से लोन उठा रही थी, और वो वापस ही तो नहीं कर रही थी उन लोन को। तो सरकार ने बोला ब्याज बढ़ा दो, ताकि बैंकों ने जो पैसा गवाया है, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू थी जो बैंक की, वो एटलीस्ट प्रिजर्व हो सके। अभी तक ब्याज से मान लो कि 500 करोड़ पर बैंकों के पास महीने का आ जाता है 15 लाख, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के बाद बैंकों के पास आने लगा 25 लाख। कुछ तो रिकवरी, कुछ तो हेल्प होगी इस एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए से कि नहीं होगी, बताओ? रीफाइनेंसिंग और इजी होगी कि नहीं होगी? फिर ये छोटे छोटे कस्टमर्स को ये वाला पैसा सर्कुलेट कर सकते हैं, ये वाली बात थी। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये डिस्करेज नहीं होंगी फिर ये कंपनी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, आ रहा होगा नहीं दिमाग में, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की ये जो कंपनीज हैं, अगर ये अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो ये डिस्करेज नहीं होंगी लोन लेने से? नहीं होंगी, उनको पैसा चाहिए ही चाहिए, और इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया था जितना वो अफोर्ड कर सके। इसके लिए पूरा का पूरा देखो, उनको पता होता है ना कि कितना इंटरेस्ट रेट रखने पर कितना, मतलब लोग खरीद सकेंगे नहीं खरीद सकेंगे। तो सरकार ने बोल दिया उस टाइम के लिए, देखो जरूरी है, एनपीए देश का बढ़ रहा है, ये करना ही पड़ेगा। अब इससे कंपनीज ने क्या करा था, मैं आपको यह भी बता देता हूं। कंपनीज ने अपना सेट में लोन लेना स्टार्ट करा था, सेट में जैसे मतलब मान लो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 15 साल का है, तो श्रेय उन्होंने क्या करा था, तीन 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 साल का लोन लेना शुरू कर दिया था। बैंकों के लिए और सरकार के लिए तो और राहत की बात थी कि अच्छी बात है, और कंपनी के लिए भी थी कि पहले 3 साल का ले लेते हैं, इसको चुका देंगे, फिर और 3 साल का ले लेंगे।
तो सरकार ने यहाँ पर प्रॉमिस भी दे दिया था कि हाँ ठीक है, अगर तुम एक एक ऐसे करके लोन दे दोगे ना, शॉर्ट टर्म का ले रहे हो, जैसे मतलब मान लो 15 साल की जगह छोड़ के 5 साल का या 3 साल का ले रहे हो, 4 साल का ले रहे हो, मतलब मैं एक आपको ड्यूरेशन सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ समझाने के लिए कि छोटे समय का ले रहे हो, तुम बड़े समय का नहीं ले रहे हो, कोई बात नहीं, तो डोंट वरी, तुम्हारा नेक्स्ट लोन हम इमीडिएटली पास कर देंगे, उसमें वेट नहीं करवाएंगे तुम्हें कि ताकि तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह रुक जाए, तुम अपना सिविल स्कोर अच्छा था मेंटेन करके रखो, बाकी हम पे छोड़ दो, ये भरोसा भी सरकार ने दिया था। तो बैंक तो बहुत सारी कंपनीज क्या कर रहा था कि फिर वो 500 करोड़ से कम का लोन लेने लग गए थे, ठीक है, बैंकों के लिए तो और अच्छा ही था। बैंक पहले इसी इसी तो घाटे में फंस गए, वो लालच करते थे कि जो 1,000 करोड़ 5,000 करोड़ का जो लोन है हम वो दे रहे हैं, उस पर ब्याज भी ज्यादा आएगा, चलो भले वो लॉन्ग टर्म के अंदर आएगा, वो करते 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 उनका कब वो एनपीए जो था वो पूरा का पूरा स्ट्रेस एसेट बन जाता था, बैड लोन बन जाता था, उनको पता भी नहीं लगता था, इसलिए सरकार को स्टेप करना पड़ा, थ्रू फिस्कल पॉलिसी मेजर्स स्टेप इन करना पड़ा। ये थी S25 स्कीम। उसके बाद स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग 2015 SDR, बैंक्स हु हैव गिवन लोन्स टू अ कॉरपोरेट बोरोवर गेट्स द राइट टू कन्वर्ट द कंप्लीट और पार्ट ऑफ देयर लोन्स इनटू इक्विटी शेयर्स इन द लोन टेकन कंपनी। अगर बैंकों को ये लग रहा है कि हमने जिस भी कॉरपोरेट को एंटरप्रेन्योर को लोन दे रखा था, अब उससे पैसा आना थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है, तो बैंकों को एक अधिकार दे दिया था सरकार सरकार ने कि आपके पास ये अधिकार है अब से 2015 में, ये थ्रू स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत आप ऐसी कंपनी के जो आपने उनको लोन दिया है उनके उस लोन के पूरे पार्ट को या कुछ पार्ट को आप इक्विटी शेयर्स के अंदर वो कन्वर्ट कर सकते हो। अब इससे क्या होगा, ये वाले शेयर्स एटलीस्ट सेकेंडरी मार्केट में तो भेजे जा सकते हैं ना श्रेया, ट्रेडिंग करने के लिए, बाइंग सेलिंग तो कम से कम इसकी। और अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती, मान लो अभी तो है नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती तो आरबीआई इनको कौन से पोर्टल पर ट्रेड करवाता, ऑक्शनिंग करवाता इनकी, ई कुबेर। हाँ अरे मतलब नहीं, अब जैसे लोन वो दे दिया है उसमें से कुछ जो अमाउंट है, जैसे क्या हुआ मैंने आपको क्या बताया था, जो अब लोन मिलता है ना, जैसे वो कभी कभार ये वाला लोन मान लो बैंकों ने ये देखा 2014-15 के बाद ना, बैंक क्या करने लगे हैं, आपको ना सेट में देते हैं लोन। आज के समय में आप एजुकेशन लोन वगैरह ये जो भी करवाओ, आपके पास ना जैसे मतलब मान लो आपने एजुकेशन लोन करवाया, आपका बीटेक है, ठीक है, आपने एजुकेशन लोन करवाया, अब आप इस खुशी के अंदर बैठे हुए हो कि आपको 4 साल की फीस का पैसा एक साथ आ जाएगा, जब फीस भरनी होगी ना बैंक उस पैसे को उसी टाइम रिलीज करेगा, और सिर्फ उतनी ही रिलीज करेगा जिस सेमेस्टर में जितनी फीस लगनी होगी, अब बैंक एक साथ नहीं देते हैं। अब यानी कि अगर किसी कंपनी ने लोन लिया, ये लोन श्रेय वो लोन नहीं है कि जो पूरे बैंक ने पूरे 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ रुपए साथ में दे दिए थे, उन्होंने सेट में दिए, उन्होंने देखा भाई पहली किस्त जो है हमने जो रिलीज करी थी बहुत टाइम हो गया, इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया अभी तक हमें, अब जितना लोन डिसाइड हुआ था वो कहेंगे भाड़ में जाओ भाई, हम पूरा का पूरा इक्विटी शेयर के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, नहीं देना तो मैं आगे फर्दर ये चीजें। हाँ, ये है। अब जैसे आप आज के टाइम में आप लोग पता करके देखो, जैसे कहीं से भी कुणाल आदित्य का जो लोन हो रखा है, ये जो कॉलेज वाला, कौन सी यूनिवर्सिटी है, बेनेट, बेनेट में जो हो रखा है, तो ऐसे ही हुआ है ना, बैंक से एक साथ पैसा कहाँ आया 4 साल का, जब जब उसकी फीस लगती है ना, तब बैंक को बता देना होता है, और वो अपने आप उतने ही सेमेस्टर का जितना पैसे लगते हैं उतने ही रिलीज करता है कि नहीं करता उस टाइम पर, ताकि कुछ भी ना निकाल सके उससे, एक चवन्नी भी निकाल सकते हैं उससे, बताओ, विड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली, वो बैंक के खाते में चला जाता है, अपने पास कुछ है कि मतलब हम उसको निकाल लें, नहीं ना,
4 लाख हो गए ना, और पहले ऐसा नहीं होता था, घर पे यही लग रहा था ना सबको कि 4 साल का पैसा एक साथ आ जाएगा, है ना, उसको हम किसी प्राइवेट बंदे को लोन पे चढ़ा देंगे और वहां से किस्त आती रहेगी तो फीस भी बढ़ती रहेगी, और प्लस बैंक का पैसा भी जाता रहेगा, और मतलब लोन भी चुकता हो जाएगा और पूरे के पूरे पैसे डबल होकर सर्कुलेट हो जाएंगे। लेकिन बैंक ने चला कि नहीं करने दी ना इस बार किसी को भी नहीं। तो श्रेया एक्चुअली क्या है, ये सारी जो नई नई चीजें हैं ना, मतलब जो हेरा फेरी हो गई है, मतलब जो बदल गई हैं चीजें, वो जब से एनपीए का इशू आया ना तब से हो गया है सब चीजें ऐसी। इसलिए कंफ्यूज मत होना इस चीज में कि बिल्कुल आपका डाउट तो जेन्युइन था कि ये सारे पार्ट या फिर ये के लोन तो दे चुके हैं, आपके मन के अंदर ये आया होगा कि शायद से कंप्लीट लोन का जो है वो अमाउंट वो रिलीज हो चुका है ना, फिर वो क्या ही कर लेंगे बैंक। नहीं बैंक अब नहीं है पागल, 2000 करोड़ एक साथ कैसे रिलीज करके दे देंगे, कैसे मान लें। वो ये बोलते हैं भाई, जैसे कोई कंपनी है आप खुद सोच के देखो, वो कह रहे हैं हमें इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, वो ये बोलते हैं भाई डांबर एक ही दिन में बिछा लोगे पूरा, एक ही दिन में 15 साल का तुम्हारा प्रोजेक्ट है, एक दिन में पूरा हाईवे बना डालोगे। इनका भी होता है भाई, अगर ये दे ही नहीं रहे हैं तो एक बार पता ना, अब कंपनी तो क्या सोचती है, सिविल स्कोर बाढ़ में जाए, 2000 करोड़ रुपए लेकर आना, मॉरिशस भग लेंगे, सोचेगी ना कंपनी। हाँ पता चला प्राइवेट जेट खरीद लिया, एम्प्लॉयर्स को वो नहीं दिए, अब है तो प्राइवेट लोग ही, कहीं फिर जाके छुप गए, नाम बदल के रहने लगे, पूरा पैसा लेकर भग गए, क्या कर लोगे। और फिर क्या है, धुरंधर भी कुछ कुछ ऐसे है ना हमारे देश के अंदर, नीरव मोदी का केस हुआ, इसका केस हुआ है ना, विजय माल्या, तो अब तो कैसे भी करके भूल जाओ कि बैंक एक साथ पूरा का पूरा अमाउंट रिलीज करेगा। तो इट वॉज ऑब्जर्व दैट डिफिकल्टीज इन फाइंडिंग बायर्स एंड डिसएग्रीमेंट ओवर वैल्यूएशंस वर चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन। अब जैसे आप एक बात बताओ, विजय माल्या की प्रॉपर्टी काफी टाइम तक आइडल पड़ी रही, आज भी पड़ी है, एज वेल एज अनिल अंबानी, इनकी प्रॉपर्टी कौन ही खरीद रहा है बताओ, है आ रही है ना दिक्कत, आप लोगों ने देखा होगा शायद से डीएनए में या फिर जब ये इशू हुआ था न्यूज पे, घर में टीवी चलते वक्त कभी ना कभी सुना होगा कि इनकी प्रॉपर्टी, इनके विला, इनके जो भी कैसल हैं, जो भी फार्म हाउसेज, इनको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, बैंक ऑक्शनिंग करवाने को तैयार है लेकिन कोई खरीदने को अच्छा कोई बायर नहीं मिल रहा। अब लोगों को क्या लगता है, अगर इस प्रकार के इक्विटी शेयर के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा ना डूब जाए, ये बस एक चैलेंज था इसके इंप्लीमेंटेशन के अंदर। लेकिन अब कैसे ना कैसे करके डेट को रिस्ट्रक्चर तो करना ही था, तो इस स्कीम के अंतर्गत ऐसा कर दिया गया। मतलब देख रहे हो सरकार बस हथकंडे अपना रही है, अभी थोड़ी देर के बाद अभी आप देखोगे आरबीआई कूदेगा अच्छी स्ट्रेटजी के साथ बीच में। उसके बाद एसेट क्वालिटी रिव्यू 2015, ये भी 2015 में है। ये क्यों था याद है, ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं वो कभी कभार किसी को लोन दे देते हैं विदाउट चेकिंग द बैकग्राउंड ऑफ दैट कंपनी, या इनकरेक्ट तरीके से क्लासीफाई करते हैं उसके एसेट को, है ना। अब यहां पर क्या है, टू क्लासीफाई स्ट्रेस एसेट्स एंड अंडरटेकिंग प्रोविजनिंग फॉर देम, क्या हम उसके लिए कुछ स्टेप्स ले सके, कुछ प्रोविजन बना सके उसको बाहर निकालने के लिए उस स्ट्रेस विंडो से, ताकि बैंकों का फ्यूचर भी अच्छी तरीके से चलता रहे, ये सुनिश्चित करा जा सके, और पहली आइडेंटिफाई कर लिया जाए इस प्रकार के एसेट जो कि स्ट्रेस एसेट बढ़ने वाले हैं, एंड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग स्ट्रेस बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन। ये इसका पूरा का पूरा वो था कि एसेट क्वालिटी रिव्यू करना, अगर वो कल को कहीं पर भी किसी भी मोड़ पर जाकर स्ट्रेस एसेट बन रहे हैं, इमीडिएटली उस चीज़ के ऊपर एक ब्रेक लगाया जाए। इट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी, बट इससे कोई सॉल्यूशन मिला नहीं, इससे कोई खास तौर पर मदद नहीं हो पाई। मदद ना होने का कारण एक ये था जो बाद में पता लगा, पॉलिटिकल प्रेशर ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक्स कि लोन दे दो हमारे भांजे को, भतीजे को, इसको उसको, और बैंकों के अधिकारियों को धमकी देना फिर पॉलिटिशियंस के द्वारा, तो डर के मारे वो रिलीज कर देते थे। फिर मैनेजर को ये लगता है कौन सा हमारे बाप का बैंक है, उसके बाद स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट्स S4A, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस, 4 S हो गए, 1 2 3 4 S4
ए क्या है, ये एसेट, ठीक है, 2016 में आया था. इट वॉज अ गुड फ्रेमवर्क विच इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेट लेवल फॉर अ स्ट्रेस बोरोवर. जो पर्सन जिसने कॉर्पोरेट है, कोई एंटिटी है, कुछ भी है, जो जिसने पैसा बैंक से बोरो कर रखा है, अब उसका बेसिकली ये देखना कि वो कितने समय तक पैसे वापस नहीं कर पा रहा है, या जब जब वो किस्त भरता है तो अपनी कितने कितने टाइम के अंदर भरता है, और उसके जितने पैसे भरने बाकी रह गए हैं प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, जो आउटस्टैंडिंग डेट उसका रह गया, उसको बाइफर्केट करना इनटू सस्टेनेबल डेट एंड इक्विटी और क्वाजी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अपसाइड टू द लेंडर्स व्हेन द बोरोअर्स टर्न्स अराउंड. इसका मतलब बेसिकली ये है, जैसे हमने इस वाले के अंदर देखा था ना बैंकों का कुछ जो ये स्ट्रेटेजी डेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर, कि कुछ जो उनका लोन का पार्ट है उनको इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट करना है, ये स्कीम उसके लिए आई गई थी कि कंपनी जो है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे अभी हमने देखा बात ये थी कि डिले हो जाते हैं कभी कभार, वो है ना, ये रहा डिले इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो पैसा उनके पास आ नहीं पाता, लेकिन जब जब उस कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो वो बैंकों को पैसा दे रहे हैं, उनको देर लग रही है, जब उन्होंने प्रॉमिस कर रखा है उतना नहीं, उतनी जल्दी नहीं दे पा रहे, लेकिन दे रहे हैं. अब कुछ उनके जो एसेट्स हैं यानी कि वो स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन सारे एसेट स्ट्रेस्ड नहीं है. तो बैंक क्या करेगा ऐसे केस के अंदर, ये पावर मिली थी बैंक को कि पर्सन के डेट के लेवल को ये देखेगा कि आउटस्टैंडिंग डेट कितना है, और उसको बाइफर्केट कर देगा इनटू सस्टेनेबल डेट, कि हाँ यार ये ऑन एन एवरेज ये पर्सन इतने इतने दिन में, या ये कंपनी इतने इतने दिन में हमारे पास पैसा दे दे रही है ब्याज के साथ साथ, और बाकी को हो सकता है कि वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करवा दे, या क्वाजी इक्विटी. अभी क्वाजी इक्विटी क्या होता है, शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करवा दिया, लेकिन अगर बैंक, अगर उस कंपनी का रिकॉर्ड अगर अच्छा है तो बैंक फटाफट से दोबारा से शेयर से उसे कैश में कन्वर्ट करवाकर, या फिर लिक्विड एसेट्स के अंदर कन्वर्ट करवाकर उस कंपनी को दोबारा पैसा दे देगा. अब ये चीज तो बोली गई स्कीम के अंदर, लेकिन बैंकों ने कहा था उस टाइम पर 2016 में, भाई ये बहुत माथापच्ची वाली चीज है, वी आर अनविलिंग टू ग्रांट दिस काइंड ऑफ थिंग. हम ये राइट डाउन का मतलब ये बेसिकली होता है कि हम बेसिकली किसी लोन को अपने बैलेंस शीट्स के अंदर ये गिराकर ये दिखाएं कि हमने इसको कन्वर्ट करवा दिया है किसी इक्विटी के अंदर, फिर पर्सन जब वापस पैसे देने लग गया दोबारा उसको लोन के अंदर कन्वर्ट करके दिखाते, भाई ये तिगड़म हमसे ना हो पाएगी, एज देयर वर नो इंसेंटिव्स टू डू सो. क्यों करेंगे भाई बैंक ऐसा? और ऐसा करते 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 बैंक को ये लगा कि जो बड़े बड़े कर्जदार हैं, जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट फर्म्स हैं, ये जो हैं, दे कुड क्विकली एग्जॉस्ट बैंक्स कैपिटल क्वेश्चन, जो अभी तक बैंक के पास हल्का फुल्का जो पैसा है, इसकी वजह से, इन सारी तगड़म की वजह से ये भी चला जाएगा. मतलब बैंक को अच्छे से ये वाली चीज़ ना, ये जो स्ट्रैटेजी है समझ में ही नहीं आई थी. एक्चुअली बात ये थी कि हम क्यों करें. अब दिक्कत ये है कि आप कहोगे कि बैंक मना कैसे कर सकते, बिल्कुल कर सकते, सरकार की चीज़ यार, मतलब वो बैंक ज़्यादा अच्छे से संभाल सकते हैं. अभी RBI कूदेगा ना बीच में, तब ज़्यादा अच्छे से सब चीज़ें जो होंगी वो बैलेंस आउट होंगी. ये सारे मेजर्स लेने के बावजूद भी NPA कुछ भी इम्प्रूवमेंट, NPA के अंदर कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकी, रिडक्शन NPA को नॉट बी अचीव, बल्कि NPA जो था वो बढ़ गया. क्योंकि आप खुद सोच के देखो, इनमें से कोई भी स्कीम जेन्युइन तौर पे, मुझे पता ना, जैसा भी हमने पढ़ा है, एक्चुअली इनका नेचर भी ऐसा था, जेन्युइन तौर पे मुझे एक बार बताओ, आपको NPA का इशू तो समझ में आ गया, लेकिन ये कोई भी स्कीम आपको पल्ले पड़ रही है अच्छे से? कोई ठोस सॉल्यूशन समझ में आ रहा है आपको कि मतलब ऐसे NPA मतलब कम हो सकता है? वैसे बताओ, ऐसी कोई भी बात है, कोई भी इजी लैंग्वेज, या इसका कोई भी इजी डायरेक्शन है इसके अंदर, ठोस नींव है इसकी? नहीं ना. सारी चारों की चारों जो स्कीम है, ऐसा नहीं लग रहा एक प्रकार से कि सरकार को खुद भी नहीं पता कि वो क्या बोल रही है, सर के ऊपर से निकाल दिया हमारे सब टॉपिक. बैंकों को भी सेम यही फीलिंग आई थी. अब यही चलते चलते कुछ हुआ तो है नहीं इस स्कीम से, यानी कि थ्योरेटिकली साबित हुई है रेदर देन प्रैक्टिकल. NPA रोज फ्रॉम 2.8 लाख करोड़ इन 2014 टू 15 टू अराउंड 8.9 लाख करोड़ इन 2017 टू 18. अब श्रेया, जो चीज मैंने होल्ड करके रखी थी, अब मैं वापस आता हूं इस पे. ये वाली जो चीज थी ना,
रीफाइनेंसिंग वॉज डन एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी वो डिस्करेज हो गई थी। और 500 करोड़ वाली जो बात है तो काफी लंबी चीज होती है, इसी की वजह से, सिर्फ ये वाले पॉइंट की वजह से जो डिस्करेज हुई कि एनपीए बढ़ गया। 2014 में इन्होंने लाया था ये, उसके बाद से 14 से 17 तक पूरा का पूरा 2.8 से 8.9 लाख करोड़, देख रहे हो, ट्रिपल से भी ज्यादा। दस सम मोर इफेक्टिव मेजर्स वर अंडरटेकन इन द फॉर्म ऑफ 4R स्ट्रेटजी, रिकॉग्निशन ऑफ एनपीएस ट्रांसपेरेंटली, बैंकों को बोला गया देखो बिना डर के साफ साफ बताओ कि क्या एनपीए, उसको छुपाओ मत, तुम ही सफर करोगे अल्टीमेटली, फिर लाइफ में चला जाएगा, फिर हमसे मत बोलना। फिर सरकार ने बोला हम मिलकर इसको रिजॉल्व करेंगे और रिकवरी करेंगे उस वैल्यू की जो कि स्ट्रेस अकाउंट से मतलब जो चले गए, मतलब आपकी इनकम बन सकती थी लेकिन वो नहीं मिल पाए। पब्लिक सेक्टर बैंक को रिकैपिटलाइज करेंगे, पैसा इन्फ्यूज करेंगे, और कोविड के टाइम पर इन्होंने बहुत सारा पैसा इन्फ्यूज करा। आपको पता ना एक विंडो दी गई थी जिसपे ब्याज वगैरह सबको भरने नहीं थे, विंडो दे दी गई थी बैंकों के द्वारा, सरकार आरबीआई सब ने बोला था, जिसको मोराटोरियम वर्ड यूज करा गया था कोविड के टाइम पर, अगर आपको याद हो तो, है ना, लोन मोराटोरियम। रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड वाइडर फाइनेंशियल इकोसिस्टम फॉर अ रिस्पॉन्सिबल एंड क्लीन सिस्टम। अभी कहने के लिए कुछ भी कह लो, रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजिंग, रिफॉर्म्स, ये तो तुमने ऊपर भी करे थे, बताओ चले कुछ चार वर्ड से कुछ चेंज है ऊपर वाले वर्ड से या स्ट्रेटजी से? नहीं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस 4R स्ट्रेटजी एनपीए इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इट हैज रिड्यूस फ्रॉम 8.9 लाख करोड़ टू 7.89 लाख करोड़ इन 2018-19। ये कोई अच्छी बात नहीं है, काम हो रहा है, ये कोई रिमार्केबल अचीवमेंट नहीं है ये। क्यों? बिकॉज 2019-20 में जब देखा गया एनपीए स्टूडेंट 6.8 लाख करोड़, ठीक है भाई, आप कह सकते हो कि अरे काम तो आ रही है, स्ट्रेटजी इफेक्टिव तरीके से सब कुछ वर्क तो हो रहा है, ओके भाई हो रहा होगा। इसके पीछे ना एनपीए बढ़ने के पीछे सरकार की एक बेवकूफी और रिस्पॉन्सिबल है, बताओ क्या? रिकैपिटलाइजेशन तुम्हें करनी थी जो एनपीए अकाउंट्स हैं उनके लिए। आपको पता होगा सरकार ने 2 साल के लिए तगड़ी तरीके से तो रोक दिया, उसका नाम भी नहीं होता, किसानों के लिए लोन वेवर स्कीम से लाई थी, अगर आपको याद हो तो, हाथ जोड़ जोड़ के रह गया था आरबीआई के, ये वाला काम मत करो, लोन को ऐसे माफ नहीं करा जाता है। आप जो पॉलिटिकल गद्दी पर आकर बैठने के लिए कर रहे हो ना, जिस टाइम पर आप गद्दी में बैठोगे ना, राजकोषी में देश की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चवन्नी भी नहीं बचेगी। अब यहां पर वो वाली बात तो लिखी नहीं जाएगी श्रेया, है ना डकरैन, क्योंकि अश्वरीत बात यह है कि वो वाला भी तो पैसा जो सरकार माफ कर रही है वो भी तो एक प्रकार से मतलब रिकैपिटलाइजिंग या फिर री इन्फ्यूजिंग ऑफ फंड्स की फॉर्म में है, वो भी तो एक प्रकार से यही है रिकैपिटलाइजेशन ऑफ फंड्स। जब सरकार लोन वेवर के लिए पैसा दे चुकी है तो आपको लगता है श्रेया कि जो स्ट्रेस फंड्स हैं जो एनपीएस वाले हैं उनके लिए फिर सरकार अलग से पैसा देगी बैंकों को? बिल्कुल नहीं। अब आरबीआई जो है वो आया बीच में, और याद है हमने पढ़ा था आरबीआई की एक बॉक्स में दे रखा था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, है ना, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो उसने पेश करी जनवरी 2021 में कोविड के बाद, फर्स्ट वेव के बाद, आरबीआई ने मेंशन करा कि एनपीएस में स्पाइक शार्पली बाय सितंबर 2021 कोविड के टाइम पर, क्योंकि बैड लोन जो थे वो बहुत पाइलअप होते जा रहे थे। अभी बताऊंगा मैं आपको बैड लोन के बारे में सारा, मतलब सारी चीजें एनपीएस से रिलेटेड ही है। वैसे तो आरबीआई ने अपनी इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा दैट रेशियो ऑफ ग्रॉस एनपीएस कुड राइज फ्रॉम 7.5% इन सितंबर 2020 टू 14.8%, डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट बाय सितंबर 2021, और सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो में इट कुड राइज टू 13.5%। तो आरबीआई ने बोला अभी से ध्यान दे लो उस पर, इसको बढ़ने मत दो ग्रॉस बैंक एनपीए को, ओवरऑल एनपीए को।
तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।